हेलो गाइस, तो हम निकल चुके हैं आज अपनी गाड़ी लेके हाई राइडर ई नियो ड्राइव को लॉन्ग ट्रिप पे, और आज हम आपको इसका माइलेज बताएंगे क्या माइलेज आ रहा है। तो फिलहाल पहले हम जा रहे हैं आरटी ऑफिस, इसकी आरसी निकलवाने, आरसी इसकी अप्रूव करवाने और साथ साथ निकलवाने। वो काम होने के बाद इसको हम फुल टैंक करवाएंगे और उसके बाद दोबारा टैंक फुल कराएंगे हम। तो चेक करेंगे 200 किलोमीटर हम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं आज वापस। तो स्टे ट्यून, हम आपको बताते हैं। हम इसका टैंक टू टैंक कराएंगे आज, फुल माइलेज टेस्ट होगा। देख लो जीरो देख लिया बिल्कुल। पेट्रोल हम फुल कराएंगे, पहले कट पर रोक देना भैया, ठीक है। छब्बीस सौ अड़तीस पहले कट पर रुक गई है, बस पहले कट पर ही आप निकाल दो। हवा डलेगी भैया। हमने ट्रिप ए रीसेट कर दी है और गाड़ी का पेमेंट हो रहा है अभी तेल का। रिफ्यूल, वो हवा भी पड़वाते हैं हम, चेक करवाएंगे हवा। बंदे को रोक लिया था, जा रहा था ये। यहाँ पे आप देखेंगे हवा का मेंशन होता है इसमें, टायर प्रेशर। गाड़ी का एवरेज अब शुरुआत हुआ है 5.8 लीटर से और रेंज दिखा रहा है 508 और अब देखते हैं वो धीरे धीरे बढ़ के कितना पहुंचता है, हम लोग कहां तक पहुंचा पाते हैं इसको। जी और अब ये 16.1 पहुंच चुका है धीरे धीरे, मतलब सिर्फ 11 किलोमीटर गाड़ी चली, 11 किलोमीटर गाड़ी चला के और हम एवरेज 16.2 तक पहुंच चुका है। हाँ। और आगे हम बताएंगे कितना। और कंपनी का क्लेम जो है वो है 22 का क्लेम्ड ARAI है। और अभी रोड दिखा दो आप, रोड बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं हम लोग, और क्रूज है नहीं वरना क्रूज कर लेते हैं। 60 किलोमीटर हमारा 80 की स्पीड पे क्रूज चल रहा है, हम गुन्नौर तक ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल। इसके बाद फिर सिंगल लेन रोड शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या फर्क पड़ेगा। और अब हमारा एवरेज 17.9 तक पहुंच चुका है, रोड हमारा चकाचक। ये रिफ्यूलिंग के बाद हम पहली बार ही देख रहे हैं ये 17.9, जितना भी ऊपर बढ़ेगा फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं हम। हमने आज तक इसको 14 से ऊपर नहीं देखा था, मतलब आज तक के क्या जितनी भी चली है गाड़ी ये I20 कितनी चल रही है, निकाल चुके हैं उसमें 23 तक का आ चुका है उसमें आराम से। पेट्रोल वो भी I20 पेट्रोल 1.2 लीटर, 17.9 आ चुका है इसमें, 18 नहीं पहुंच पा रहा है, 18 अभी पहुंचेगा। एवरेज ने शो कर दिया, और यही है कि अगर मैं इसको अभी खींचूंगा फिर ये कम हो जाएगा। मैं बहुत प्यार से चला रहा हूँ गाड़ी, वैसे तो ये गाड़ी 80 की चल रही है, 80, 100, 120, मतलब 120 तो एक दो बारी गई थी और 18 का आ गया। उस टाइम आपने देखा होगा इसकी रेंज थी 508 किलोमीटर और अब इसकी रेंज हो गई है 524 किलोमीटर हो गई है 53 किलोमीटर चलाने के बाद, मतलब रेंज बढ़ी रही है। बस उम्मीद ही है अब इसमें 22 का क्लेम है, देखते हैं हमारे पास कब 22 आएगा, इसका आना तो चाहिए। बाकी अब मैं लेकिन गाड़ी को बहुत हल्के चलाना पड़ रहा है, मतलब आपको 80 के नीचे आपको लाना ही पड़ेगा उसको, थोड़ा सा 75 पे चलानी पड़ती है गाड़ी। हाँ, 75-80 तो ये एवरेज पक्का क्लेम कर सकते हो आप इसका जो है। अरे भाई साहब, रोड खराब आना, खराब रोड शुरू हो चुकी है और एवरेज 18.1, अभी जो एवरेज है वो 18.1 का शो कर रहा है और हम लोग के चल चुके हैं अभी तक 98 किलोमीटर चल चुके हैं। 100 किलोमीटर चला चुके हैं।
100 किलोमीटर में 18 का एवरेज पहली बार ही देखा हमने, मतलब मजा आ गया अभी तक तो। रोड अच्छी हाँ, अब यहाँ से रोड थोड़ी खराब है, सिंगल लेन रोड है तो बुलंदशहर तक रोड ऐसी ही रहेगी। अब हम गिर चुका है, गिरना शुरू हुआ है, 18 पे आ चुका है। बुलंदशहर के बाद फिर 4 लेन हाईवे मिल जाएगा हमें। अच्छा, बुलंदशहर यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर है मेरे ख्याल में। वापस फिर से हाईवे पे आ गए हैं। तो उस टाइम मैंने लास्ट आपको जो बताया था क्लिपिंग में कि वो खराब रोड थी, तो वो सब अब खत्म हो चुकी है, अब खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है। अब बिल्कुल हम हाईवे पे आ चुके हैं, दोबारा से आने वाले हैं। इसके बाद बिल्कुल बढ़िया रोड ही है, हम ईस्टर्न पेरिफेरल भी पकड़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो वो सब हम आपको रास्ते में दिखाएंगे पूरा। और कुल मिला के इस वक्त 145 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 146, तो एवरेज 17.3 बता ही दिया अभी तक का। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। हाईवे टच कर लिया, अब यहाँ मतलब पूरा बढ़िया ही रोड मिलेगा हमें। अब 17.2 से हम बढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, 17.2 का भी शो हो रहा है, बढ़िया रहने वाला, ये तो पहले बताया था आपको। इसमें ऑटो डिमिंग IR भी है, मोर देन द बेस मॉडल में। सब कुछ ले लो सब, और ऑटो LED मिल जाती, लाइट्स, ऑटो लाइट्स, तो काम हो जाता बढ़िया। वैसे तो ये हाईवे खींचने वाला है बढ़िया, लेकिन हम फिर भी उसमें चलेंगे कि हमारा एवरेज हम 80 तक ही रखेंगे, 80-90, क्योंकि हमें एवरेज निकाल के दिखाना है इस बार मैक्सिमम नई गाड़ी में, वो जो ये बना सकती है। हाँ, जो ये निकाल सकती है। फिलहाल इसने 18.5 शायद टच किया था इसमें हाईएस्ट, वहीं पहुँचेगा लॉट, तो बताते हैं आपको क्या इसका स्टेटस रहता है 200 किलोमीटर। हाँ ओके गाइस, तो हम लोग दिल्ली वाले हाईवे पे चढ़ चुके हैं, ये सीधे दिल्ली जाता है लाल कुआं पे, लाल कुआं वाला जो था वहाँ से चढ़ गए थे। तो ये पूरा 25-30 किलोमीटर का है ये हाईवे। वैसे तो हम तो नोटर सेक्टर 62 के बाद वाले से उतर जाएंगे हम लोग, तो बढ़िया चल रहा है, एवरेज वही 17.6 दिखा रही है गाड़ी 206 किलोमीटर पे। मतलब हम पूरे रास्ते AC चलाते हुए आए हैं 22 डिग्री पे ऑटो AC करके, और स्टॉप भी लिया हमने दो बार, 10-10 मिनट का लिया था, 10-15 मिनट का सही है। गाड़ी स्टॉप करो तो पॉइंट 2-3 पॉइंट नीचे उठती है। हाँ ठीक है, फिलहाल तो मैं तो अभी सेटिस्फाइड लग रहा हूँ नई गाड़ी से, SUV में 17.6 बढ़िया आ रहा है। बाकी अभी हम इसका टैंक रिफ्यूल भी करेंगे, अभी अभी बताएंगे कितना एवरेज आया असलियत का। हाँ असली एवरेज कितना मिला हमें। हम वहाँ से यहाँ तक 207 किलोमीटर चला चुके हैं, 8 किलोमीटर चला चुके हैं। हाँ। यानी कि हम 215 किलोमीटर चलाएंगे और हम आपको पूरा तेल भर के बताएंगे कि हमारा कितना तेल लग गया 208 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर चला। हाँ। तो ये प्रॉपर हाईवे का था, मतलब रोड जो था हमारा। और सिटी में तो मैंने आपको बताया कि पुराना जो हमने भरा था, जो पहले जब नई गाड़ी थी रिफिल किया था, तो 13 के आसपास का आया था सिटी वगैरह में, उसमें सिटी और हाईवे थोड़ा थोड़ा मिक्स था, 11 से 13 के बीच में रहता है। हाँ तो वो 11 से 13 ही रहेगा, बाकी तो अभी हम पूरा पूरा कंप्लीट हाईवे का नई गाड़ी का आपको थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे रिफिल करने के बाद। Thank you.
कट पे रोक देना आप, है ना। हाँ भाई को बोल दिया इधर का भी कर, देखते हैं कितने का पड़ेगा। फोटो ठीक चलिए है। क्या इसका आया कितना आया? हाँ 13.39। गाड़ी कितनी चली थी? 225.2 डिवाइड बाई 13.39, तो गाड़ी का एवरेज आया 16.8 का। और हमारी गाड़ी दिखा रही है इसमें शो कितना कर रही थी? 17.9 का शो कर रही थी। तो कुल मिला के एक उसका फर्क आ रहा है, 1 किलोमीटर पर लीटर का फर्क आ रहा है। ओके कर दिया उसने? हाँ कर रहा है, 1 किलोमीटर पर लीटर का फर्क आ रहा है कुल मिलाकर। ठीक है एवरेज अभी नई गाड़ी में 16.8, मतलब वही 17 का एवरेज मान लो। तो यही था वीडियो हमारा गाड़ी का एवरेज का। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अब बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे हाई राइडर ई न्यू ड्राइव के, और बहुत जल्दी इसका मॉडिफिकेशन का वीडियो आने वाला है गाड़ी के।